तुझे हम दो सना है प्यारे तूने काम सब वक्फे नो जो है उसको ये जो हर वक्त के टीवी ड्रामे हैं या इंटरनेट पे गलत किस्म के प्रोग्राम हैं उनको नहीं देखना चाहिए ठीक है तो अच्छी एंटरटेनमेंट है बड़े इलमी प्रोग्राम आते हैं इंटरनेट पे अगर देख रहे हैं नैशनल जोग्राफ़ी के प्रोग्राम आते हैं और बहुत सारे इलमी प्रोग्राम हैं उनको देखना चाहिए इन बजाय इसके कि गलत किस्म के प्रोग्राम देखो जो अखलाक को तबाह करने वाले हों इसी तरह फिल्में हैं हर वक्त टी वी बैठ के प्रोग्राम देखना जी इंटरनेट इंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं गलत ड्रामे गलत फिल्में बाज इंडियन फिल्में भी हैं दूसरी फिल्में भी हैं यूरोप यूरोपियन फिल्में भी हैं जो ग़लत किस्म की हैं उनको उनसे बचना चाहिए इसलिए हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पहले भी मैं बता चुका हूँ कुरान करीम में हुक्म दिया हमें कि ये बातें करने की हैं और ये ना करने की हैं जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको इख्तियार करो और जो ना करने का हुक्म दिया है उनसे बचो और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यह भी फरमाया कि नमाज जो है वो फाशा से बचाती है इसलिए अपनी पाँच वक्त की नमाज़ों की हिफाजत करो और पूरी तरह नमाज का हक अदा करते हुए नमाज पढ़ने की कोशिश करो तो और मियाँ से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें बुरी एंटरटेनमेंट और बुरे सोबत से बचाए और इसी तरह अपनी सोसाइटी जो कंपनी है लड़कों की उसमें भी ऐसे लोगों को चुनो जो अच्छे हों अच्छे अखलाक के हों जो और पढ़ने की तरह तो जो हो जिनकी ना ये है कि फजूल वक्त में लगव्यात में बक ज़ाया करने वाले हों ठीक इसी तरह गेम्स हैं बजाय इसके कि टीवी गेम खेलने के सारा दिन फोर्थ नाइट और तीसरी दूसरी चौथी खेमें बच्चों को भी बड़ा शौक़ होता है खेलने का तो, तो जवान हो गए अब तो इन गेमों के खेलने के बजाय आउटडोर गेम्स जो हैं वो खेलनी चाहिए टीवी गेम खेलने के बजाय ठीक है एंटरटेनमेंट जो करनी है ताकि तुम्हारे जिसम की एक्सरसाइज भी हो सके ना ये कि घर में बैठ के तो टीवी पे पर बैठ के गेम खेलने लग जाओ या इंटरनेट पे बैठ गेम खेलने लग जाओ वो उन गेमों से बचना चाहिए वो तुम्हारे दिमाग को भी सुस्त करती हैं और जिसम को भी सुस्त करती हैं ठीक